हम तो सोच रहे थे कि नसरुल्लाह खान का मज़ार बनाएंगे, उसका सफ़ेद गुंबद होगा, लोग मन्नतें मानने आएंगे और हम सब सज पगड़ियाँ पहन कर बैठे होंगे खलीफे बनकर। हाजी की घरवाली ने तो हमारी खिलाफत कायम होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तो बदबख्तों छोड़ खिलाफत को, खान को ढूंढो, उस वक्त से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं खान ने खुद को मार तो नहीं दिया। हमारा खान इतना बुज़दिल नहीं कितनी छोटी सी बात पे खुद को मार डाले। खुद को मारने के लिए बहादुर होना ज़रूरी है, बुज़दिल तो मौत से डरते हैं, रोज जीते हैं रोज मरते हैं। तो मैं बिल्कुल अपनी हिम्मत खान जैसी बातें करने लग गया। आने दो हिम्मत खान को, बताऊंगा तुम लोग सब्जली बन गए हो। हम लोगों को उस बदजात सब्जली से मत मिला, उसने तो सबके सामने गद्दारी की, हम लोग तो पीछे कर, मतलब हम लोग खान के गद्दार तो नहीं है। तुम सब हर वक्त उसके साथ होते, अब मुश्किल के वक्त में यहां क्यों बैठे? ये सब मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले हैं, इनको अगर आज से शैतान नशा रोटी पानी देना शुरू कर दे तो ये हिरमन को छोड़ के शैतान को अपना बाप मान लेंगे। ऐसी बात नहीं है अवल खान, मैं एक मुसलमान आदमी हूँ। हम कौन से काफिर हैं? अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों वाले नाम है हमारे। मैं तुम सबका ईमान देखने नहीं आई, यहाँ पे हिरमन को ढूंढने आई। कहाँ है वो? हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं मैडम। इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, निकलो बाहर ढूंढो उसे। अरे बहन, इनकी टांगों में ताकत होगा तो ये यहाँ से उठेंगे। मैं तो कहता हूँ ये जिंदा लाश इनको इधर ही पड़ा रहने दो, इन्हें अपना नहीं पता तो हिलमन का खाक मालूमगा इनको। आओ यहाँ से चले कहीं और देखते हैं। आ जाओ। खान मिल जाए तो उसको कहना तुम्हारे गुलाम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाए। वो यूं ही नहीं आया था दाजी, अपना हिस्सा मांगने आया था। लिखवा ले मुझसे। तुमसे क्या लिखवाऊं? बरसांगा से लिखवा चुका हूं सारे हिस्से। जब शरीयत बे औरत को दूसरी शादी करने का हक देती है तो मैं क्यों न दूं? तुम जिससे शादी करना चाहो करो, इसको ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन इन दो कामों के लिए तुम्हें अपने सारे हक मुझे देने होंगे। मैं तुम्हारा बेटा, जिंदगी में कभी भी मेरे पास या मेरे बेटों के पास हिस्सा लेने नहीं आओगे। शर्त मंजूर है, अंगूठा लगाओ या मेरे नसरुल्लाह की निशानी को भी ले जाओ। बेवकूफ को अब मालूम हुआ कि यह हक की पैदावार है, यही बात पक्की करने आया था मुझसे। तो आपने कर दी पक्की? हाँ, सब कुछ बता दिया उसे, इसके नानी के बाप से लेकर इसके नानी की माँ तक सारी कहानियां बता दी। अभी इधर नहीं आएगा। इंशाल्लाह नहीं आएगा। वो तो नहीं आएगा, लेकिन तुम लश्कीरान जाओ, पता करो कि ऐसी क्या बात हुई है, कितने सालों के बाद ये लड़का मुझसे पुरानी बातें पूछने आ गया। कहीं मरजान ने इसकी माँ को छोड़ तो नहीं दिया? जाओ शबा। आओ जरा।